जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। आज के वीडियो में हम बट्टा यानी छूट पर आधारित सवालों की चर्चा करेंगे। बट्टा यानी डिस्काउंट, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सभी लोग वीडियो को एक बार मित्रों में शेयर जरूर करें। और शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। यहाँ पर सवाल कह रहा है, एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये है को 20% और 10% की छूट पर बेची जाती है। यदि नगद भुगतान पर 5% की छूट और दी जाती है तो मेज की नगद कीमत क्या है? यहाँ पर हमको मेज की नगद कीमत बतानी है क्या है। तो सबसे पहले तो मित्रों हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य दे रखा है यहाँ पर 300 रुपये अंकित मूल्य है। अब कहता है 300 पर पहले 20% की छूट दी गई, बाद में 10% की। 300 पर अगर 20% की छूट देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 60%। 300 का 20% 60 हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 240। बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा आपके। अब कहता है कि छूट 10% और दी गई, तो छूट जो 10% दी गई वह किस पर दी गई है? 240 रुपये पर। 240 रुपये पर अगर हम देंगे छूट 10% की तो कितना आ जाएगा मित्रों? 24 रुपये। अब 24 रुपये इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216 रुपये। ये क्या निकल के आ गया मित्रों? ये हमारा नगद भुगतान निकल के आ गया। अब सवाल कहता है नगद भुगतान पर 5% की छूट और दी जाती है तो मेज की नगद कीमत है, हमको यहाँ पर मेज की नगद कीमत बतानी है। अब 216 इस पर 5% की छूट और देनी है, 5% की छूट देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा मित्रों? 10.2 रुपये। अब यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 205.2 रुपये। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मित्रों कर लीजिए 205.2, ठीक है, 205.2 यहाँ पर लिख देते हैं 205. और हमारा कितना आ जाएगा मित्रों यहाँ पर? 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला, 205.2% हमारा क्या है? सही आंसर। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला सवाल मित्रों। अगला सवाल कहता है एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 था, उसे बेचते समय उस पर 20% 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई। कोई पियानो है जिसको बेचते समय 3 छूटें दी गई हैं और उसका अंकित मूल्य कितना है मित्रों? 15,000 रुपये। तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मित्रों 1 से 2 सेकंड में। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं मित्रों, यहाँ पर जो अंकित मूल्य की दे रखा है कितना है? 15,000 रुपये, ये हमारा अंकित मूल्य है। अब कहता है कि यहाँ पर दे रखा है 20% 10% और 10% छूट। अब 100% से अगर 20% माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 80%। 80 बटे क्या रहेगा? 100 गुणे हमारा क्या रहेगा? अब यहाँ पर कह रहा है 10% की छूट दी गई तो हम 10% की जब छूट देंगे तो कितना आ जाएगा? 90/100। अब यहाँ पर 10% की और छूट दी गई तो 90/100 हमारा क्या आ गया मित्रों? 100। यहाँ से 0 से 0 एक एक काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 1, 2, 3 0 नीचे बचे तो 3 0 से 3 0 ये हमारा कट गए। यहाँ हमारा बचा है 15 × 8 × 9 × 9। अगर इन चारों की जब हम गुणा कराएंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा मित्रों वह आएगा 97/20 यानी 9,720। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं मित्रों अगले प्रश्न की, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 रुपये है, बट्टे से पहले कमीज का मूल्य क्या है? यहाँ पर सवाल कहता है कोई शर्ट है, मान लिया मैंने कोई शर्ट है, 100% बराबर कितना मित्रों? 100% उसका मूल्य है। अब कहता है उसको 15% की छूट दी गई, 15% की जब छूट देंगे यानी कितना बचेगा मित्रों? 85%। 85%, अब 85% बराबर कितना मूल्य दे रखा है? 102 रुपये। 102 रुपये दे रखा है 85% बराबर, लेकिन हमको बताना है 100% बराबर। तो 100% बराबर जब हम इसका मूल्य बताएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ हम देखेंगे मूल्य कितना है मित्रों? 102। कितने छूट दी गई मित्रों? 15% की छूट दी गई, बचा कितना हमारा?
85%, ठीक है, और गुणे में हमारा क्या रहेगा 100। अब यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा मित्रों वह आएगा 120 रुपये। कितना मित्रों? 120 रुपये। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं कि आपको ये तरीका बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।